हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। आज मैं लेकर आई हूँ कस्टर्ड जेली शरबत की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, साथ ही बनाने में ये बड़ा ही आसान है। इन गर्मियों में कस्टर्ड जेली शरबत को पीकर मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जेली बना लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने रेडी टू मेक जेली पाउडर ले लिया है, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अब सबसे पहले एक सॉस पैन में 250 ml पानी डाल लूंगी और इस पानी में एक उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं आधा जेली पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं आधे बॉक्स का ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पूरा बना सकते हैं। इसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है और इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने देंगे, जब तक कि ये घुल नहीं जाता। आज हम यहाँ स्ट्रॉबेरी जेली बना रहे हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से घुल चुका है और तैयार है। तो मैं अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और अब इस मिक्सचर को एक टिन में डाल लेंगे। मिक्सचर के पोर हो जाने पर जेली को 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। नेक्स्ट एक बाउल में 2 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे और फिर इसमें 1/4 कप रूम टेम्परेचर का दूध ऐड कर लेंगे। दोनों को चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे, कभी भी कस्टर्ड बनाने के लिए आप इसी तरह से कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करें। तो यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर मिक्स हो चुका है। फिर मैंने कस्टर्ड शरबत बनाने के लिए 1 लीटर दूध ले लिया है। इस दूध में सबसे पहले एक उबाल आने देंगे। तो आप दूध को चलाते हुए अच्छी तरह से बॉईल कर लें। दूध बॉईल हो चुका है, अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर लूँगी। फिर इसमें कस्टर्ड वाला जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसे डाल लेंगे। कस्टर्ड के मिक्सचर को डालते साथ ही मिक्स कर लेना है, जिससे इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। कस्टर्ड डालकर इसे आप 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने दें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें 3/4 कप शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर डालकर उसे भी मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है, जब तक कि मिक्सचर हल्का गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर कस्टर्ड का मिक्सचर परफेक्टली तैयार है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे चलाते हुए हल्का ठंडा कर लेंगे। हल्का ठंडा हो जाने पर इसे आप फ्रिज में चिल कर लें। नेक्स्ट एक बाउल में 1 बड़ा चम्मच सब्जा सीड्स ले लेंगे और इसमें पानी डालकर इसे सोक होने देंगे। सब्जा काफ़ी ठंडा होता है खाने में, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। 4-5 मिनट हो चुके हैं, सब्जा अच्छी तरह से भीग चुका है। भीगने पर ये कुछ इस तरह का दिखने लगता है। इसे अब मैं साइड में रख लूँगी। जो स्ट्रॉबेरी जेली हमने सेट होने के लिए रखी थी वो भी सेट होकर तैयार है। इसे अब मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। आप जेली को कोई भी शेप में काट सकते हैं। और इस कस्टर्ड जेली शरबत में किसी भी फ्लेवर की जेली का यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी जेली के पीसेस कट कर तैयार हैं। कस्टर्ड भी अच्छी तरह से ठंडा होकर तैयार है। शरबत को आप एकदम ठंडा ठंडा ही सर्व करें। तो सबसे पहले एक ग्लास में स्ट्रॉबेरी जेली के पीसेस ऐड कर लेंगे। जेली आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें। फिर इसमें ठंडा ठंडा कस्टर्ड शरबत डाल लेंगे।
ग्लास को आप पूरा ऊपर तक फिल कर लें। शरबत फिल हो जाने पर इस पर भीगा हुआ सब्जा डाल लेंगे। इसी तरह से दूसरे ग्लास में भी कस्टर्ड शरबत को फिल कर लेंगे। तो ये लीजिए, एकदम चिल्ड और बहुत ही डिफरेंट कस्टर्ड जेली शरबत बनकर तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो ट्राई करना ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।